रवि और रमेश दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने अपनी नौकरी की शुरुआत साथ ही साथ की थी। रवि को पैसों की बचत के महत्व के बारे में पहले से पता था और इसलिए रवि को जैसे ही अपनी सैलरी मिलती थी उसका एक हिस्सा वो बचत के लिए अलग कर लेता था और बाकी बचे हुए पैसे से अपने सभी खर्चों को पूरा करता था। दूसरी तरफ रमेश बचत के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करता था और अपनी कमाई का पूरा हिस्सा वो खर्च कर देता था। जब रवि रमेश को पैसों की बचत के महत्व के बारे में समझाता था तो रमेश का कहना था कि पैसों की बचत करके वो कंजूस नहीं बनना चाहता, जिंदगी तो मजे करने के लिए है और इसलिए पैसों की बचत करके कंजूस बनने के बजाय पैसे से अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर जिंदगी के मजे उठाने चाहिए। कुछ सालों बाद रवि की बचत की रकम बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा हो गई और जिसे उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया था, जबकि रमेश का अकाउंट अभी भी खाली का खाली ही था और रमेश को अब खर्च करने की आदत भी लग चुकी थी और नए नए मोबाइल, अन्य सामान, पैसे नहीं रहने पर वो लोन और ईएमआई पर लेने लगा। फिर कुछ साल बाद जहां रवि अपने बचत के पैसों से अपनी सभी फाइनेंशियल नीड्स को सही तरीके से पूरा कर सकता था, जैसे अपनी शादी, घर, गाड़ी और अपने बच्चों के खर्च की प्लानिंग, जबकि दूसरी तरफ रमेश की सैलरी का बड़ा हिस्सा लोन की ईएमआई भरने में ही निकल जाते थे और अपने बचत नहीं करने और लगातार खर्च करने की आदत के कारण वो कर्ज के जाल में फंस चुका था। और कहने की जरूरत नहीं कि आगे दोनों की लाइफ में क्या हुआ होगा। एक तरफ रवि जहां अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन के मजे ले रहा था तो दूसरी तरफ रमेश अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था और कर्ज भरने की वजह से उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया था। दोस्तों, इस कहानी में रवि जैसे लोगों को आज के समय में कंजूस कहा जाता है और हम में से कोई भी कंजूस कहलाना पसंद नहीं करता है। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक बहुत कंजूस आदमी हैं तो आपको भी काफ़ी बुरा लग सकता है, क्योंकि हम में से कोई भी कंजूस बनना ही नहीं चाहता है। जबकि हकीकत यह है कि पैसों का सही ढंग से बचत करना कंजूसी नहीं बल्कि समझदारी कहलाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग पैसों की बचत को कंजूसी समझते हैं और इस कारण वे पैसों की बचत की आदत नहीं बना पाते और यही सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को कर्ज में डुबा देता है। अब जैसा हमने इस कहानी में देखा, अगर कोई बचत और निवेश नहीं करता है और लगातार खर्च करता रहता है तो उसकी क्या हालत होने वाली है, और दूसरी तरफ सही तरह से पैसों की बचत और निवेश से एक इंसान कितनी खुशहाल जिंदगी जी सकता है। दोस्तों, पैसों की बचत करना और उसे सही तरह से निवेश करना ये अपने आप में एक बहुत ही समझदारी का काम है, जिसे करके आप पैसों की चिंता से आजाद होकर एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। और इसलिए आपको समझदारी से पैसों की बचत और निवेश के बारे में तुरंत सोचना और समझना चाहिए। ज्यादातर लोग पैसों की बचत नहीं कर पाते हैं और वे जमकर खर्च करते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि वे कंजूस नहीं बनना चाहते, क्योंकि बचपन में हम सभी ने कुछ कंजूस लोगों की ऐसी कहानियां पढ़ी हुई हैं जो ये सिखाती हैं कि कंजूस होना बहुत ही गलत होता है, और ये भी सिखाती है कि पैसों की बचत करके क्या फायदा जब हम जिंदगी के मजे भी ना ले पाए। और इसी तरह आपने उस कंजूस आदमी की कहानी भी जरूर सुनी होगी जो बहुत ही कंजूस होता है, जिंदगी भर पैसे बचाते बचाते एक दिन यूं ही मर जाता है लेकिन अपने बचत के पैसों को किसी तरह से खर्च नहीं करता है। कुछ कंजूस की कहानियां ऐसी भी हैं जिसमें कंजूस आदमी चाय में मक्खी गिरने पर मक्खी को निकालता है और उसे चूसता है ताकि मक्खी के शरीर में लगा हुआ चाय बर्बाद ना हो, जिसे हम मक्खी चूस भी कहते हैं। और इसी तरह कंजूसों की और भी बहुत सारी कहानियां सुनने के बाद हम कंजूस लोगों से मन ही मन नफरत करने लगते हैं, और हम में से ज्यादातर लोगों ने बचपन में ही ये तय कर लिया होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बड़े होकर कंजूस नहीं बनना है। और इन कहानियों का ही नतीजा है कि ज्यादातर लोग कंजूस नहीं बनना चाहते और इसलिए कभी बचत भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग खूब खर्च करते करते रमेश की तरह कर्ज के जाल में फंसकर अपने जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। कंजूसों की कहानियों के कारण ही जब हम कमाना शुरू करते हैं तो जमकर खर्च करते हैं ताकि हमें कोई कंजूस न कह सके, और इसलिए हम पैसों की बचत को ज्यादा जरूरी भी नहीं समझते हैं बल्कि पैसे को खर्च करना ही जरूरी समझते हैं। और यही कारण है कि सालों से काम करते रहने और कमाने के बावजूद भी हमारी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आता है और खर्च करने के लिए हमारे पास हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है, और इस तरह खर्च करने की ऐसी आदतें भी पड़ जाती हैं कि हमारी सैलरी तो बढ़ जाती है लेकिन फिर भी हम बचत नहीं कर पाते हैं, और अक्सर कर्ज ले लेकर भी हम खर्च करते रहते हैं और धीरे धीरे हम कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, और फिर एक कर्ज को भरने के लिए हम दूसरा कर्ज लेते हैं, यानी एक कर्ज के गड्ढे को भरने के लिए हम दूसरा कर्ज लेते हैं, और इस तरह पहले से थोड़ा बड़ा कर्ज लेकर हम अपने कर्ज के गड्ढे को बढ़ाते ही रहते हैं। और कई लोग इस कर्ज के जाल में उम्र भर भी फंसे रह जाते हैं और कर्ज के कारण ही बहुत सारी बीमारी,
टेंशन में जीते हैं और अंत में कर्ज में मर भी जाते हैं। दोस्तों, मैं भी मानता हूँ कि पूरी तरह से कंजूस होना बिल्कुल बुरी बात है। हमें पैसों के मामले में बहुत ज्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी कमाई के एक हिस्से को बचाने को कंजूसी नहीं कहते हैं। बल्कि आप देखेंगे कि जो लोग पैसे की बचत करते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में आजकल पाए जाते हैं। यही वह लोग हैं जो पैसों की रेगुलर बचत और निवेश करके बहुत सारा धन बना ले जाते हैं और एक दिन वे अमीर भी बन जाते हैं। और जो लोग पैसों की बचत नहीं करते उनको बहुत आश्चर्य होता है कि आखिर एक ही जगह एक ही जितनी आमदनी कमाने के बावजूद उनका दोस्त कैसे अमीर बन गया और वो कैसे कर्ज में डूब गए। दोस्तों, ध्यान दीजिए, जमाना बदल चुका है। अब ऐसा कोई कंजूस नहीं बचा है जो मक्खी को चाय से निकालकर मक्खी को भी चूस के पीता है। इसलिए बदले हुए जमाने के साथ हमें हमारी सोच भी बदलनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि पैसों की बचत समझदार लोग ही करते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति अपनी पूरी कमाई को खर्च कर देता है। और इसलिए आपको बचपन में सुनी और समझी हुई कंजूसों की कहानियों को अपने दिमाग से डिलीट कर देना चाहिए और समझदार बनकर पैसों की बचत और निवेश शुरू कर देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी कंजूस ना कहलाने के चक्कर में खर्च करते करते कर्ज के जाल में फंस कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लें। दोस्तों, इस कोट को याद रखिए, मनी सेवर्स आर कॉल्ड माइजर इन ओल्ड एज बट मनी सेवर्स आर कॉल्ड वंडर टुडे। इसका अर्थ है, पुराने जमाने में पैसों की बचत करने वाले को कंजूस कहा जाता था, लेकिन आज पैसों की बचत करने वाले बहुत थोड़े लोग ही हैं जिन्हें देखकर बाकी लोग आश्चर्य करते हैं कि वे कैसे पैसे बचा लेते हैं। दोस्तों, आशा है इस वीडियो से ये समझने में आपको हेल्प मिला होगा कि पैसों की बचत में थोड़ी कंजूसी करना मूर्खता नहीं बल्कि समझदारी है। और इसलिए पैसों की बचत करने से अगर आपको कोई मूर्ख कहता है तो मूर्ख आप नहीं बल्कि वह व्यक्ति मूर्ख है जो आपको मूर्ख कह रहा है, और ऐसा समय आने पर उस व्यक्ति को स्पष्ट हो जाएगा। साथ ही अगर आपको कोई कंजूस कहे या नहीं, लेकिन आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर बचाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि इस वीडियो का वास्तविक मैसेज क्या है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और वीडियो के बारे में अपने सवाल या विचार को कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट की वीडियो के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।